हेलो फ्यूचर ब्लॉगर्स, क्या हाल चाल है? होपफुली सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आपकी लाइफ में और आप बहुत सेहतमंद हो, अच्छे से हो। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ब्लॉगिंग की, क्योंकि आप लोग आए हो इस वीडियो को देखने के लिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग, और ये बिल्कुल एज अ बिगनर शुरू होने वाली है। इनफैक्ट मैं स्टेप जीरो से भी पहले बोलूंगा ये शुरू होने वाली है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत से प्री रिक्विजिट्स की ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले, और ब्लॉगिंग करने के दौरान आपको क्या करना है और ब्लॉगिंग करने के बाद क्या करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में आपको बताऊंगा, ठीक है? इसमें कोई भी मैं अपने लिंक प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, कोई भी मैं अपना एफिलिएशन वगैरह प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। उसके अलावा जो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से टॉपिक जो है जिसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हो या ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो उन वीडियो पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करूँगा। उसके अलावा आप अपना जो लेवल है, आप एक ब्लॉगर बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, वो चीज़ बताओ कमेंट में, ताकि जो अब मेरी फ्यूचर वीडियोस हैं मैं उसी के हिसाब से पेस कर सकूँ। अगर ये जो वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर्स देख रहे हैं तो मैं इन वीडियो को बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में बताऊंगा। अगर जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा लेसे लोग जो देख रहे हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के ब्लॉगर हैं, तो मैं थोड़ी सी एडवांस चीज़ें जो है वो बताऊंगा और बिगिनर लेवल की चीज़ें स्किप कर दूंगा। और अगर बहुत ही एडवांस लेवल के यूज़र देख रहे हैं तो आई थिंक जो मे बी वो इनिशियल वीडियो स्किप कर सकते हैं, वो सीधा जा सकते हैं प्लेलिस्ट में जो आखिरी वीडियो आने वाली है उन पे, क्योंकि वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो एडवांस लेवल की होने वाली है। अब बात करते हैं कि यार ब्लॉगिंग पे तो ऑलरेडी बहुत से वीडियोज़ हैं, तो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं ऐसा क्या स्पेशल करने वाला हूँ? तो दोस्तों, आप ऑन जो है ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें देखते हो उसमें से बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ बायस्ड होती है। यानी कि अगर कोई बंदा आपको कोई टिप्स देने वाला होता है तो उसमें से मोस्टली क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जो है अपना या तो एफिलिएट लिंक प्रमोट कर रहा होता है, या अपना जो है एडवर्टीजमेंट प्रमोट कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं बेसिकली वो एक मीडियम बना रहा होता है जिसकी वजह से वो पैसा कमा सके या अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बायस्ड वे में बताई जाती है, या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लेकर जाया जाता है और वहां से आपको मोनेटाइज किया जाता है बेसिकली, ठीक है? तो मैं जो कोशिश करूंगा कि जो सारा कंटेंट है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्टिव, यानी कि बहुत ही कम समय में वो आपको चीज़ें बता सकूं, और सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को जो शुरुआत करेंगे उसमें ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लॉगिंग है क्या। ब्लॉगिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली इंफॉर्मेशनल कंटेंट है जो कि आप लिखते हो। वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है वेरियस रीजंस के लिए आप लिख सकते हो सकता है आप जो पैशनेट हो वो कंटेंट लिखने के लिए, और हो सकता है जो आप आपकी जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया से शेयर करना चाहते हो, या हो सकता है कि जो आप चाहते हो आपकी आवाज़ सुनी जाए, ठीक है? तो ब्लॉगिंग आपके लिए जो आपकी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का एक मीडियम हो सकता है। अब आवाज़ का लिटरल मतलब ये नहीं है कि आपकी वॉइस ब्लॉगिंग में निकल कर आए, क्योंकि जो ब्लॉगिंग है उसमें बेसिकली आप लिखते हो तो बहुत से लोग हैं वो आपको पढ़ते हैं, यानी कि बेसिकली जो आपने सोचा है वो आवाज़ जो है दुनिया तक पहुंच रही है। उसके अलावा जो है बहुत से अदर रीजंस हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या आपको आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दुनिया को पहुंचा रहे हो, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उनसे कलेक्ट भी कर रहे हो इन रिटर्न में। इसके अलावा जो बहुत ही बड़ा रीज़न है जो कि ब्लॉगिंग की तरफ जाने का है वो ये है कि पैसे कमाना, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो ब्लॉगिंग को मोनेटाइज कर सकते हो। और जो है हमारा फोकस है, फोकस हम लोग रखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो एडसेंस अप्रूवल पे। उसके अलावा लेकिन और कितने वे हैं कैसे आप पैसे कमा सकते हो, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एज अ साइड इनकम जो ब्लॉगिंग है बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, अगर आप स्पेशली राइटिंग के लिए बहुत पैशनेट हो। और बहुत से जो कंटेंट राइटर हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं ब्लॉगिंग में, क्योंकि जो उनका जो कमाने का जरिया है वही कंटेंट राइटिंग है। एंड ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग भी ऑल अबाउट अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप जो है अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के सामने। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो है चीज़ों को आगे, अपनी ब्लॉगिंग को आगे ले जा सकते हो और उसको जो है पूरे वर्ल्ड तक जो है के लेवल तक बेसिकली लेकर जा सकते हो। तो अब इसमें अगेन जो डिटेल में जाने से पहले आपको बताऊं, किसी भी चीज़ को करने का जो सक्सेस मंत्रा होता है वो ये होता है कि 80-20 का एक प्रिंसिपल है जिसको पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी अगर आप काम करते हो तो मतलब जो 20% अगर आप काम कर रहे हो उससे आपको 80% बेनिफिट मिलेगा, और जो 80% आप काम कर रहे हो उससे आपको सिर्फ 20% बेनिफिट मिलता है।
और ये जो एग्जाम्पल है या ये जो प्रिंसिपल है ये दोस्तों हर जगह लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई छोटे से छोटा बिजनेस ले लो, कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि बिजनेस में जो प्रोडक्ट होते हैं यानी 20% प्रोडक्ट को बेच के आपके आपको 80% जो है रेवेन्यू मिल रहा होता है, 80% आपकी कमाई जो है सिर्फ 20% जो प्रोडक्ट से हो रही होती है। इसी तरह अगर मैं एडसेंस की बात करूँ तो जो सिर्फ 20% वीडियो है उससे आप 80% पैसा कमा रहे होते हो, उसके अलावा जो 80% वीडियोज ऐसी होती है जिससे सिर्फ 20% ट्रैफिक आ रहा होता है। तो हमारा जो गोल होने वाला है वो ये होने वाला है कैसे जो हम वो 20% है जिससे हमें 80% रिटर्न मिल सकता है हम उन चीज़ों पे फोकस करें और उन चीज़ों को पहले करें। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो 80% जो एफर्ट है यानी 80% रिजल्ट है वो हमें भी 20% जो एफर्ट लगाने से ही मिल जाएगा। उससे क्या होगा बेसिकली आपका जो जो भी आपका गोल है ब्लॉगिंग को लेके उसको आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। अब दोस्तों ब्लॉगिंग अगर आपको करना है तो एक जो बहुत बेसिक चीज़ है कोई ना कोई आपका जो होना चाहिए लीडर। आप किसी भी चीज़ को अगर करते हो उसमें आपका एक ना एक लीडर होना चाहिए और आप उसी के रोड मैप को फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे अगर जैसे कि मेरे को बनना है, अगर मैं बोलूँ मुझे बनना है जैसे बहुत ही बड़ा टेक्निकल आदमी, तो मैं किसी न किसी जो टेक्निकल जो लीडर्स हैं उनको फॉलो कर रहा हूँगा, जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको फॉलो कर रहा हूँगा। मैं देख रहा हूँगा कि वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो इतने बड़े टेक्निकल लीडर बने हैं और मैं उनके बेसिकली फुटप्रिंट को फॉलो करूंगा। ऑब्वियसली मैं अपना दिमाग लगाऊंगा और उन्होंने जो लीडर ने गलतियां की है उन्होंने अगर वो गलतियों को बताया है तो मैं वो गलतियां करने से अवॉइड करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मोर और लेस बोलें तो हम जो लीडर हैं जिसको हम देख रहे हैं उसी का जो पाथ फॉलो करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिली होती है, आपको पता होता है कि हाँ मैं इस पॉइंट पे अभी हूँ और मुझे इस वाले पॉइंट पे जाना है। तो एक बार आपके पास डायरेक्शन होती है तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाती हैं। तो जो भी आपका बेस्ट ब्लॉगर है जिसके कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं उनको फॉलो कीजिए और आप देखिए उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया। लेकिन जो बायस्ड है उससे बच के रहे, हो सकता है कि आपको जो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है वो बायस्ड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो और आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं या ऐसे जो ब्लॉगर्स हैं उनसे आपको बच के रहना है। अब बात करते हैं जो अगेन जो है अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ जो है बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो है आपको बेसिक प्रिंसिपल्स उन चीज़ों को पता होने चाहिए। तो एक इसमें और कॉन्सेप्ट है वो है पेनी वाइज पाउंड फुलिश का। तो उसमें क्या होता है कि यानी आप 5 रुपये बचाने के चक्कर में जो है 50 रुपये का बेसिकली नुकसान करवा रहे हो। तो ब्लॉगिंग में मोस्टली लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं कि मेरा सारा काम जो है वो फ्री में हो जाए, फोकट में हो जाए और मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो दोस्तों ब्लॉगिंग जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल 0 रुपये से शुरुआत कर सको। आप कर सकते हो लेकिन उससे क्या होगा आपको मतलब जो मैं बता रहा हूँ पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली सिचुएशन आ जाएगी कि आप 2-2 रुपये बचा रहे हो लेकिन जो आपका अगर वो 2 रुपये आप खर्च कर देते तो उसका आपका जो इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। तो ये सब चीज़ों की हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जो थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए क्योंकि उससे आपके ब्लॉगिंग जो करियर को बहुत बूस्ट मिलेगा और कैसे जो है आप कुछ पैसे लगा के जो अपना ब्लॉगिंग करियर है वो करियर पाथ को बहुत ऊपर लेकर जा सकते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपने वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं आप जानना चाह रहे होंगे कि जो ये बंदा कौन है और हमें क्यों बता रहा है। तो मैं जो हूँ आईटी इंजीनियर हूँ, मैं पिछले 10 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ लेकिन ब्लॉगिंग से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उस टाइम से जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो उस टाइम से मैं कुछ कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड था, थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में। लेकिन क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कहीं कभी भी इतना टाइम नहीं मिला या मुझे इतना वो नहीं हुआ, एंथ्यूजियाज़म नहीं रहा कि मैं अपने जो ब्लॉगिंग करियर को कंटिन्यू कर सकूँ। तो अभी जब पेंडेमिक आया तो कहीं ना कहीं फिर से वो जो स्पार्क था ब्लॉगिंग का वो जगा और मैंने फिर जो ब्लॉगिंग वगैरह की शुरुआत की और विद इन 2 to 3 months जो है उसको ब्लॉगिंग को एक अच्छे खासे लेवल पर लेकर गया, उसको जो एडसेंस अप्रूवल वगैरह लिया। तो वो जितनी भी ब्लॉगिंग का जो करियर पाथ होता है या जो रोड मैप होता है वो सब मैंने देखा है और मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने की है, जो मिस्टेक मैंने की है वो चीज़ें आप लोग ना करो। मेरा इस किसी भी कंटेंट से जो है पैसे कमाने का जरिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैंने अपनी नॉलेज गेन करने के लिए किया है और इसलिए किया है कि जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ वापस शेयर कर सकूं। और क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ब्लॉग्स बने हुए हैं, बहुत से जो हैं फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और कि बेसिकली कैसे आप करोड़ों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो, और कहीं ना कहीं बेसिकली ब्लॉगर जो है उनको एक गलत रास्ते पर लेकर जाया जाता है और बहुत सी फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड हो सकें और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और सोर्स ऑफ पैसिव इनकम चाहिए जिसमें आप एक जो है 2 घंटे 4 घंटे डेली लगा के
आप थोड़ा बहुत अर्न कर सको ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ब्लॉगिंग जो है वो कभी भी आपको रातों रात पैसा नहीं देगा, इसमें मिनिमम टू मिनिमम भी आपको 1 ईयर स्पेंड करना होगा। आप डेली 2 से 3 घंटे 1 साल तक लगाइए, उसके बाद आप देखोगे आपको रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे मिलने लगेंगे। आपने बहुत से देखे होंगे जो ब्लॉगर्स हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने 3 से 4 महीने में जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं और कैसे वो अचीव करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और बेसिकली जो कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो इससे निकल कर आता है कि उन्होंने कितना पैसा जो है उस बिजनेस में लगाया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हो तो रातों रात आपका ब्लॉगिंग जो है वो ग्रो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो उस केस में आपके पास इतना पैसा नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करनी पड़ेंगी ये सारी स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से जो है हम ग्रो कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग्स को। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उन सब वीडियो से हम शुरुआत करेंगे, कैसे आपको जो प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको क्या डोमेन खरीदना चाहिए, आपको कैसे कंटेंट जो है उसके टॉपिक कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, और कीवर्ड्स क्या है उसके, कीवर्ड आपको कैसे सेलेक्टिवली रखने चाहिए, और आप जब वेबसाइट बनाते हो उसमें क्या क्या ऐसे जो मैंडेटरी पेजेस हैं वो होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, आपको व्यूअर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं, आपको जो कस्टमर बेस कैसे बनाना है। तो ये सारी जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम लोग शेयर करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। तो बने रहिए, ये पूरे जो प्लेलिस्ट में है ये लगभग आई थिंक 10 से 15 वीडियोस की ये पूरी प्लेलिस्ट होगी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही सिंपल वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताया जाएगा। तो आज दोस्तों तारीख है 19 मार्च, तो 19 मार्च है, हम लोग टारगेट रखेंगे 2 वीक्स यानी 15 दिन का। तो कोशिश करते हैं लगभग 5 अप्रैल तक का टारगेट रखते हैं, 5 अप्रैल तक हम लोग जो है अपनी जो वेबसाइट बना के उसको जो है मोनेटाइज कर सके, क्योंकि ये मैं बिल्कुल स्टेप जीरो से करने वाला हूँ। तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, फिर जो डोमेन नेम खरीदेंगे कैसे उस डोमेन नेम में हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे, कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, कौन से प्लगइन डालेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्योंकि हमने एक गोल रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो है हम एक प्रॉपर रिदम में चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपने जैसे दोस्तों देखा, मैंने एक जो है गोल रखा हुआ है कि 5 अप्रैल तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज्ड हो जाए, यानी एडसेंस अप्रूव्ड हो जाए। ये गोल बेसिकली क्या करता है, ये आपको कीप ऑन मूविंग रखेगा। अगर मैं कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं करूंगा तो मैं जो रेगुलर जो है रेगुलर उस पर फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही अगर ब्लॉगिंग आपका, आप इसको एज अ करियर करना चाहते हो या जो भी आपका रीजन है, आप पैशनेट हो इसके लिए किस, तो आपको एक जो है गोल जरूर होना चाहिए, कि गोल रखो और एक डेडलाइन रखो और तभी आप जो है उस गोल की तरफ बढ़ोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बने रहिए।